अगर सूरज फट गया तो क्या होगा। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल फैक्ट अनप्लग्ड। आज हम एक ऐसे विषय पर बात करेंगे जो हर किसी के मन में एक ना एक बार ये सवाल उठा ही होगा, अगर सूर्य फट गया तो क्या होगा। आज हम इस रहस्य को समझने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले हम यह समझते हैं कि सूर्य हमारे लिए कितना इम्पोर्टेंट है। सूर्य हमारे जीवन का एक स्रोत है, हमें गर्मी और प्रकाश देता है और हमारे सूर्यमंडल के अन्य ग्रहों को अपने ग्रेविटेशनल फोर्स से बांधता है। सूर्य एक तारा है और तारे हाइड्रोजन को हीलियम में बदलने के लिए न्यूक्लियर फ्यूजन का यूज़ करते हैं। यह एक बहुत ही शक्तिशाली प्रोसेस है और यह सूर्य के प्रकाश और ऊर्जा प्रदान करती है। सूर्य लगभग 4.5 अरब साल पुराना है और यह अभी भी अपने जीवन के मध्य में है। हालांकि एक दिन यह अपने हाइड्रोजन को समाप्त कर देगा और यह लाल विशालकाय में बदल जाएगा। लाल विशालकाय होने के बाद सूर्य धीरे धीरे सिकुड़ जाएगा और सफ़ेद बोने में बदल जाएगा। एक सफ़ेद बोना बहुत गर्म होता है लेकिन वह बहुत छोटा होता है। अब आइए चर्चा करते हैं अगर सूर्य फट गया तो क्या होगा। सूर्य फटने के लिए यह अपने हाइड्रोजन को समाप्त करने के बाद एक सुपरनोवा में विस्फोटक में बदल जाएगा। सुपरनोवा एक बहुत ही शक्तिशाली विस्फोट है जो एक तारे के जीवन के अंत में होता है। एक सुपरनोवा के विस्फोट में बहुत अधिक एनर्जी होती है। यह इतनी अधिक ऊर्जा है कि यह एक ग्रह को नष्ट कर सकती है। अगर सूर्य एक सुपरनोवा में विस्फोट करता है तो यह पृथ्वी को नष्ट कर देगा। विस्फोट की ऊर्जा पृथ्वी पर एक विशाल गर्मी और रेडिएशन भेजेगी। यहाँ गर्मी और रेडिएशन पृथ्वी के वातावरण और जीवन को भी नष्ट कर देगा। सूर्य के फटने के बाद पृथ्वी एक बंजर ग्रह बन जाएगी। अगर सूर्य फट जाए तो पृथ्वी और अन्य ग्रहों पर इतना विनाशकारी प्रभाव पड़ेगा कि सूर्य के विस्फोट से निकलने वाली रेडिएशन पृथ्वी को तबाह कर देगी। पृथ्वी का वातावरण गायब हो जाएगा और सभी जीवन नष्ट हो जाएगा। सूर्य के विस्फोट से निकलने वाले कण भी पृथ्वी पर गिरेंगे। इन कणों से परमाणु युद्ध जैसा प्रभाव पड़ेगा। पृथ्वी का वायुमंडल दूषित हो जाएगा और सभी जीवन नष्ट हो जाएगा। सूर्य फटना एक भयानक घटना होगी जिसे पृथ्वी और अन्य ग्रहों पर जीवन नष्ट हो जाएगा। सौभाग्य से सूरज फटने की संभावना बहुत कम है। सूरज के फटने की संभावना लगभग 100 अरब साल में एक बार होती है। हालांकि सूर्य के फटने की संभावना बहुत कम है, सूर्य अभी भी अपने जीवन के मध्य में है और यह कई अरब साल तक जीवित रहेगा। तो दोस्तों, अगर सूर्य फट गया तो क्या होगा, यह एक भयंकर विचार है लेकिन यह एक संभावना है। दोस्तों, अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो और आप आगे भी ऐसे ही कमाल की वीडियोस हमारे चैनल पर देखना चाहते हैं तो आज ही हमारे चैनल फैक्ट अनप्लग्ड को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बने बेल आइकन को भी ज़रूर दबा दें। मिलते हैं आप सभी से हमारी अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।